आज हम एलजेब्रा के एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे एसएससी बार बार परीक्षा में सवाल पूछता है। तो वो कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम आसानी से रट सकते हैं, क्योंकि रटने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप उसको रट लेंगे तो आप पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कहता है कि एक्स बराबर 4 AB / A+B है, अगर इफ एक्स बराबर 4 AB / A+B है, देन एक्स प्लस 2A / X-2A प्लस एक्स प्लस 2B / X-2B ये 2 के बराबर होगा। यानी अगर पेपर में एक्स बराबर 4 AB / A+B दिया है तो x + 2a / x - 2a + x + 2b / x - 2b की वैल्यू जो होगी वो 2 के बराबर आएगी। लेकिन ये जो आता है वो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी लगाने से आता है। अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4ab को 2a * 2d कर सकते हैं, यानी 2a * 2d लिख सकते हैं। तो एक बार हम 2a को x के नीचे ले आएंगे, फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहाँ से हमको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। और जब हम 2b को x के नीचे ले जाएंगे और कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमको ये वाली चीज़ मिल जाएगी और वो दो इक्वेशन बनेंगी। दोनों इक्वेशंस को जब आप जोड़ेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा 2। लेकिन हमको पेपर में ऐसे नहीं करना है, हमको ये चीज़ डायरेक्ट याद रखनी है कि अगर एक्स बराबर 4ab / A+B है तो x + 2a / x - 2a + x + 2b / x - 2b 2 के बराबर होगा। तो इससे रिलेटेड पेपर में सवाल पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जो पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक्स बराबर 4√15/√5+√3 है, अगर ये दिया था इफ एक्स बराबर 4√15/√5+√3 तो हमसे पूछा था कि x + 2√5/x - 2√5 + x + 2√3/x - 2√3 की वैल्यू हमसे पूछी थी। तो जब आपको अगर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो इसका सवाल हम डायरेक्ट लिख देंगे, इस सवाल का आंसर जो होगा डायरेक्ट 2 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे बताया है अगर वो याद होगा तो इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों को वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है जिससे वो इसको सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको डायरेक्ट याद करना है कि हमने जो आपको बताया है कि अगर एक्स बराबर 4ab / A+B है तो x + 2a / x - 2a + x + 2b / x - 2b की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 4√15 दिया है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4, और इस √15 को √5 * √3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ जो a होगा √5 है, b क्या है √3 है, और यहाँ पर भी a और b, तो कुछ उसी प्रकार का हमने फॉर्म बना लिया कि x बराबर 4ab और अपान में a+b है। तो हमसे पूछा क्या गया है, x प्लस अगर √5a है तो 2a, यहाँ x - 2a, x + 2b और x - 2b, तो सेम वही चीज़ पूछी गई है, बस यहाँ a की वैल्यू √5 ले ली गई है और b की वैल्यू जो ले ली गई है वो √3 आ जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 2, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हमको इसे सॉल्व नहीं करना है, हमको उस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना है कि अगर एक्स बराबर 4ab / A+B है तो x + 2a / x - 2a + x + 2b / x - 2b की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। सेम उसी प्रकार से एक बार और क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लीजिए कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे 4 दे दिया गया और हो गया आपका √35 है, और नीचे दे दिया गया √7 + √5, और हमसे पूछी गई है वैल्यू की x + 2√7 / x - 2√7 + x + 2√5 / x - 2
दो रूट फाइव। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये दिया गया है हमको, ये निकालना है, ये कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये फोर है। इस रूट थर्टी फाइव को हम नीचे देखिए, रूट सेवन है और रूट फाइव है। अगर मैं इसको ए मानता हूँ, अगर मैं इसको बी मानता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट सेवन इंटू रूट फाइव, यानी ऊपर क्या हो गया, फोर ए बी बन गया और नीचे ए प्लस बी बन गया। तो जब ऊपर फोर ए बी बन गया, नीचे ए प्लस बी बन गया, तो हमने आपको बताया कि एक्स प्लस टू ए, ये है, ये भी ए है, ये बी है, डी। यहाँ हो गया एक्स प्लस टू ए अपन एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी एक्स माइनस टू बी की जो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा वो हम लगा देंगे दो, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दो होगा। जबकि अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। इसको एक बार नीचे ले जाएंगे, कंपोनेंट और डिवाइडेंड और रूल करेंगे, फिर एक बार उसको ले जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तो जाके आंसर निकलेगा। लेकिन हमको डायरेक्ट याद करना कि अगर इस पैटर्न पे सवाल देगा तो उसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो दो हो जाएगा।